हेलो एस्पायरेंट्स, आज हम जिस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं वो है एनडीए का पेपर 011, ओके 11 नंबर का पेपर। ये जीएस के क्वेश्चंस हैं, इनमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, मिसलेनियस क्वेश्चंस सभी मिक्सअप हैं। आप जिस भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर एक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे, इंपॉर्टेंट और एनालाइजिंग क्वेश्चंस, तो आप इनको अच्छे से एनालाइज कीजिए और इनके आसपास के क्वेश्चंस को भी फाइंड आउट कीजिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन है, द लीडर ऑफ द यंग बंगाल मूवमेंट वॉज, ओके यंग बंगाल जो आंदोलन था, यंग बंगाल आंदोलन हिंदी में कहा जाता है, यंग बंगाल मूवमेंट, ये आंदोलन के लीडर कौन थे? तो इस आंदोलन के लीडर हैं, आंसर इसका होगा आंसर नंबर डी, हेनरी विवॉन डी जेनेरियो, ओके इनका पूरा नाम है हेनरी लुइस विवॉन डी रोजियो। डिरोजियो साहब यंग बंगाल मूवमेंट के फाउंडर होते हैं, इसको लीड करते हैं। यंग बंगाल मूवमेंट किस लिए चलाया गया था? उस समय पे हिंदू धर्म में कुछ कुरीतियाँ व्याप्त थी, मतलब कि यहाँ पर बहुत सारी रिजिडिटी थी, बहुत स्टीरियो काइंड ऑफ थिंग्स चला करती थी। फॉर एग्जांपल चाइल्ड मैरिज हुआ करता था, ठीक है, और कन्या वध हुआ करते था। तो इस तरह की जो सामाजिक कुरीतियाँ थी, उन कुरीतियों को दूर करने के लिए यंग बंगाल मूवमेंट को इस्टेब्लिश किया गया, जिसको लीड किया था हेनरी विवॉन डी रोजियो ने, ओके इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, जो ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ समर मानसून इन इंडिया। भारत में गर्मियों में जो मानसून की दिशा होती है वो कहाँ से कहाँ होती है, किधर होती है? तो हम जानते हैं कि यदि इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में किस तरह का मानसून पाया जाता है या किस तरह का क्लाइमेट है। इंडियन क्लाइमेट वर्ल्ड वाइड फेमस है क्योंकि ये ट्रॉपिकल मानसूनल है, ओके कौन सा क्लाइमेट है हमारे यहाँ? ट्रॉपिकल मानसूनल यानी कि उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु वाला प्रदेश है भारत देश। अब यहाँ पे किन हवाओं से इनका डायरेक्शन क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, यानी कि दक्षिण पश्चिम जो हवाएं हैं से उत्तर और पूर्व की तरफ ही बहा करती हैं, ओके नॉर्थ वेस्ट टू सॉरी नॉर्थ ईस्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कह रहा है कि एन्नोर पोर्ट, कौन सा पोर्ट? एन्नोर पोर्ट यानी कि एन्नोर जो बंदरगाह है ये किस और नाम से जाना जाता है, ओके अन्ना पोर्ट, मद्रास पोर्ट, साउथ पोर्ट या फिर कामराज पोर्ट। अब इसमें दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकता है, बी और सी में। बी कह रहा है कामराज पोर्ट और सी कह रहा है मद्रास पोर्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि जो तमिलनाडु है भारत देश में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पोर्ट हैं, सबसे ज़्यादा बंदरगाह हैं, तो इसका मद्रास पोर्ट को चेन्नई पोर्ट के भी नाम से जाना जाता है। लेकिन एन्नोर पोर्ट जो है, एन्नोर पोर्ट का राइट नेम है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कामराज पोर्ट। कामराज पोर्ट किसको कहा जाता है, किसका नाम है? एन्नोर पोर्ट का नाम है। कहाँ पर सिचुएटेड है ये? तो आपको ये भी क्वेश्चन पर्पस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि तमिलनाडु में है, ओके और तमिलनाडु में भी कहाँ हो सकता है कि क्वेश्चन आए कि किस कोस्टल रीजन में है, तो आपको याद रखना है कि ये कोरोमंडल कहलाता है। कौन सा कोस्ट कहलाता है? कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है। कोरोमंडल कोस्ट पे कौन सा आपका पोर्ट है? तमिलनाडु पोर्ट है, क्लियर। इंडिया के जो ये कोस्टल एरियाज हैं उनको आपको ज्योग्राफी में आपने पढ़ा ही होगा, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट रिवर्स के ऊपर सिचुएटेड है, तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? आपका क्वेश्चन कह रहा है पोलावरम, नंबर वन प्रोजेक्ट नंबर वन पोलावरम, ओके पोलावरम की बात की है इन्होंने कि ये कहाँ पर है? कावेरी नदी के ऊपर, तो ये गलत ऑप्शन है। सेकंड आपका कह रहा है मेकेदातू, मेकेदातू ये कहाँ पर है, किस रिवर के ऊपर है? गोदावरी के ऊपर, ये भी गलत है। थर्ड आपका कह रहे हैं बगलिहार, बगलिहार प्रोजेक्ट हर बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ओके पहले देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। बगलिहार जो है वो चेनाब रिवर पर है, किस रिवर पर है? चेनाब रिवर, ओके बगलिहार प्रोजेक्ट चेनाब रिवर पर है, और चेनाब किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो आपको पता है कि सिंधु नदी की, यानी कि इंडस की ट्रिब्यूटरी है, हमें ये भी पता है। और अगली बार हमें ये भी याद रखना है
कि ये जो बगलिहार है, क्योंकि हमारा पाकिस्तान से इस इंडस रिवर सिस्टम पे डिस्प्यूट चलता ही रहा है, शिमला जो हमारी इंडस वैली ट्रीटी भी है 1960 की, उसको लेकर के भी डिस्प्यूट रहे हैं। तो याद रखना है कि बगलिहार चेनाब पर है और इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लस आपको ये भी याद रखना है कि पोलावरम और मेकेडाटू का राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर पोलावरम का जो रिवर है वो है गोदावरी। ओके, पोलावरम किस रिवर पर है प्रोजेक्ट? गोदावरी पे। और मेकेडाटू जो है ये किस रिवर पर है? कावेरी पे। क्लियर? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। इसके अलावा हमने ये दोनों को भी करेक्ट कर लिया है, एग्जाम के लिए याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद व्हाइट रेवोल्यूशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भी व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करें, यानी कि श्वेत क्रांति की बात, ओके, तो श्वेत क्रांति से संबंधित व्यक्तित्व कौन सा है? इसका पहले आंसर देख लेते हैं। आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी, वर्गीस कुरियन। ओके, अब बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट की। व्हाइट रेवोल्यूशन मतलब कि श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है कि मिल्क प्रोडक्शन से। किससे संबंधित है? मिल्क प्रोडक्शन से। अब इसमें आपने अभी आंसर देखा कि इससे एसोसिएटेड पर्सनैलिटी का नाम है वर्गीस कुरियन, और वर्गीस कुरियन को फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया भी कहा जाता है। क्यों? इन्होंने भारत में जो दुग्ध उत्पादन है उसके क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2012 में इनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन इन्होंने अमूल जैसे ब्रांड को एस्टैब्लिश किया और भारत को एक नई पहचान दी। ओके, तो आपका जब भी क्वेश्चन आए व्हाइट रेवोल्यूशन से रिलेटेड, इसको ध्यान रखना है कि वर्गीस कुरियन। इसके अलावा भी जैसे इसके ऑप्शंस हैं, एम एस स्वामीनाथन, वर्ल्ड वाइड फेमस पर्सनैलिटी, इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर के नाम से जाने जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन अक्सर बनता है, इसे भी देखिए। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। यदि इंडिया की बात करें, इंडिया में ब्लड एंड आयरन पॉलिसी से रिलेटेड कौन सी डायनेस्टी रही है या कौन सा रूरल रहा है? तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बलबन। ओके, बलबन की जब बात की जाती है तो लौह और रक्त की नीति को अपनाता है। बलबन बहुत ही स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन मेंटेन करने वाला उस समय एम्परर होता है। ये अपने राज दरबारियों को इवन हंसी मजाक भी बंद करवा देता है, गिफ्ट लेना देना सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। और ये एक स्टेटमेंट भी देता है कि जब भी मैं किसी नीच को देखता हूँ तो मेरा खून खौलने लगता है, और उसी से रिलेटेड इसने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी भी क्या की थी, लागू की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सेक्टर। जब भी नॉट की बात आए, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए करें, तो मैं हमेशा एक सजेशन देती हूँ कि नॉट को फटाक से अंडरलाइन कीजिए, ताकि हमसे गलतियाँ होने की संभावनाएं कम हो जाए। तो पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंटरप्राइजेस। इनमें से कौन सा पब्लिक सेक्टर नहीं है? NTPC, SAIL, SAIL यानी कि स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, और लास्ट है TISCO, टाटा आयरन स्टील कॉरपोरेशन। ओके, तो आपको पता है कि बाकी शुरू की जो तीनें हैं, चाहे वो NTPC हो, SAIL हो या BHEL हो, ये PSUs से हैं, महारत्न कंपनी से। जबकि डी ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा, जिसका TISCO जो है ये क्या है, ये PSUs में नहीं आती है। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1907 में हुआ था। इंडिया के प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, सबसे महत्वपूर्ण ये इंडस्ट्री है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बायोस्फीयर रिजर्व और स्टेट से रिलेटेड। ओके, जैसे कि नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व और आपकी सेंचुरीज, आपकी वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज, रामसर साइट्स, ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं बायोस्फीयर रिजर्व और उनके स्टेट से रिलेटेड। ऑप्शन नंबर 1 है आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, देहांग दिवांग, ये कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है।
ऑप्शन नंबर बी है आपका मानस, मानस कहाँ पर है, असम में है। ऑप्शन नंबर सी है नौकरेक, नौकरेक कहाँ पर है, मेघालय में है। और ऑप्शन नंबर डी है सिमलीपाल, ये कहाँ है, ये ओडिशा में है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, आपको पता है कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, आज के टाइम में एनवायरमेंट और डेवलपमेंट दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ओपोजिशंस में काम करते हैं। जितना डेवलपमेंट होगा एनवायरमेंट को उतना ही ज़्यादा नुकसान होता जा रहा है। तो एनवायरमेंट का मतलब ह्यूमन बीइंग फ्लोरा और फौना का कनेक्ट होकर के रहना। अब यदि फ्लोरा ही नहीं रहेगा तो फौना का कोई भी यहाँ पे अस्तित्व नहीं बचेगा, यानी कि जीव जंतु और पौधों के लिए जो प्रोटेक्टिव संरचनात्मक जो मेथड्स अपनाई जाती हैं, विधियां अपनाई जाती हैं, वो किसके अंतर्गत शामिल कर ली जाएंगी, ये बायोस्फीयर रिजर्व का एक पार्ट होंगी। नेशनल पार्क्स इसी के अंतर्गत बनाए जाते हैं, सेंचुरीज का निर्माण इसीलिए किया जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सी वी रमन वॉज अवॉर्डेड एज अ नोबेल प्राइज इन विच ईयर। सी वी रमन, यदि भारत की ही नहीं विश्व के लेवल पे बात की जाए तो फिजिक्स में इन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। सी वी रमन के लिए नोबेल प्राइज कब दिया गया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1930। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि सी वी रमन को नोबेल प्राइज किस लिए दिया गया था, तो आप सबको पता है कि सर सी वी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी। ओके, रमन इफेक्ट मीन्स स्पेक्ट्रम की इन्होंने क्या किया था, स्पेक्ट्रम से रिलेटेड इन्होंने अपना रिसर्च किया, और इसके लिए 1928 में इन्होंने ये स्पेक्ट्रम प्रभाव को खोजा था। आगे चल करके 1930 में इनको नोबेल प्राइज मिलता है रमन स्पेक्ट्रम के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें यह है एंशंट हिस्ट्री का क्वेश्चन जिसमें है सिम्बल्स और उनकी मीनिंग। ओके, गौतम बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैच ऑफ द फॉलोइंग आपको करना है, जितने भी सिंबल्स हैं उनके जन्म प्रतीक हैं उनको, उनकी जो मीनिंग है उनकी सारी की सारी लिस्ट पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अभी इसे सॉल्व करते हैं, चार ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास। पहला नंबर सिंबल है, डायरेक्ट आंसर्स पे हम यहाँ फोकस करेंगे, बोधि ट्री किससे रिलेटेड है, तो एनलाइटमेंट से। एनलाइटमेंट का मतलब क्या था, जिस दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो ज्ञान की प्राप्ति जिस दिन हुई वो एनलाइटेंड हुए, उसे किस से प्रतीक से, किस सिंबल से दर्शाया जाता है, तो वो है आपका बोधि ट्री। बोधि ट्री मतलब एनलाइटमेंट, ओके, यानी नॉलेज। फिर है दूसरा ऑप्शन धर्म चक्र, धर्म चक्र प्रवर्तन, ये क्या था, तो धर्म चक्र प्रवर्तन का अर्थ है यहाँ पे फर्स्ट सर्मन, यानी जब उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया तो उसे क्या कहा जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। आपका थर्ड ऑप्शन है हॉर्स, ओके, घोड़ा। घोड़ा किस चीज का प्रतीक है, घोड़ा है रिनन्शिएशन, जब उन्होंने पहली बार घर छोड़ा था यानी गृह त्याग किया था, तो इसे किस प्रतीक चिन्ह से दर्शाया जाता है, घोड़े से। ओके, और लास्ट है आपका लोटस यानी कमल का फूल, तो कमल का फूल या लोटस किससे का प्रतीक है, तो उनके जन्म का, बर्थ का, जब गौतम बुद्ध का जन्म होता है तो उस प्रतीक चिन्ह को दर्शाया जाता है किससे, कमल के फूल से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अभी करंट अफेयर्स में भी ये क्वेश्चन था। द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड मंडल कमीशन रिपोर्ट इन। अभी आपको पता है कि हाल ही में 10% रिजर्वेशन गुजरात राज्य ने जनरल कैटेगरी में जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए दिया है। ठीक है, अब आर्टिकल नंबर 15 और आर्टिकल नंबर 16 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंजेस हो रहे हैं। 1991 में भी इस तरह का एक घटनाक्रम देखा जा चुका है, उस समय पर मंडल आयोग आया था और मंडल आयोग ने भी सेम 10% रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी में पिछड़े लोगों को देने की बात की थी, जिसे आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मंडल कमीशन बिठाया था वो किस केस से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या, इंद्र साहनी केस। ओके, इंद्र साहनी वर्सेस इंडियन यूनियन केस होता है 1992 में, और इस केस के बेसिस पे ही मंडल आयोग कमीशन बैठता है जो अपनी रिपोर्ट देता है, और फिर ओबीसी में क्रीमी लेयर का प्रोविजन भी जारी किया जाता है। तो इसको आप
सारे के सारे केसेस जो पॉलिटिकल हैं उनको भी एक बार अच्छे से मेमोराइज कीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, सोवरेनिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग्स टू, ओके, संप्रभुता की बात कर रहा है, किसकी, सोवरेनिटी की, यानी कि संप्रभुता, संप्रभुता किससे रिलेटेड है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द पीपल ऑफ इंडिया, ओके, किससे संबंधित है, हमारी जो भारत की जनता है उससे। संप्रभुता का मतलब क्या होता है, संप्रभुता हमारा, आप जब प्रेम्बल पढ़ते हैं तो प्रेम्बल में भी आता है सोवेरियन स्टेट, या जब आप राज्य की परिभाषा पढ़ते हैं यानी स्टेट, तो स्टेट के चार कंपोनेंट कौन से होते हैं आपको पता है, एक तो जनता होती है यानी कि लोग होने चाहिए, यानी एक पॉपुलेशन मास अमाउंट होना चाहिए, दूसरा लैंड एरिया होना चाहिए, तीसरा एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, और फोर्थ इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सोवेरियन होना चाहिए, ओके। संप्रभु का सिंपल सा मीनिंग होता है किसी भी क्षेत्र में तीनों कंपोनेंट हों और उनको अपने अधिकार स्वयं लेने की फ्रीडम हो, है ना। फॉर एग्जांपल तिब्बत है, तिब्बत कभी इंडिपेंडेंट हुआ करते थे लेकिन अब वो अपना खुद का निर्णय नहीं ले सकता, वो चाइना के अधीनस्थ है, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि वो एक सोवेरियन स्टेट नहीं है। जबकि भारत की बात करें तो भारत में क्या चाइना या पाकिस्तान इंटरफेयर करते हैं, नहीं, तो भारत यानी कि हमारा इंडिया क्या है, एक सोवेरियन स्टेट है। तो संप्रभुता का मतलब होता है हमारा अपने फॉरेन पॉलिसी हो, डिफेंस हो, या कोई भी चीज हो उससे निर्णय लेने की पूरी इंडिपेंडेंट पावर, ओके, सोवेरनिटी कहलाती है, संप्रभुता कहलाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर एडिटर ऑफ केसरी, केसरी जो पत्र था, पत्रिकाएं, समाचार पत्रिकाएं जो होती थी, न्यूज़पेपर होते थे, उन्होंने हमारे इंडिपेंडेंस में, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया था, ठीक है। भले ही बहुत ज़्यादा हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस या फिर बाकी फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी उन्होंने हमारी जनता को जागरूक करने के लिए, एक देशभक्ति की भावना बढ़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि केसरी के संपादक कौन थे या केसरी के एडिटर कौन थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक, ओके। ये जो केसरी है, क्वेश्चन आ सकता है कि ये किस लैंग्वेज में पब्लिश होता था, तो केसरी जो पत्रिका थी, ये जो आपका मैगजीन थी, ये होती थी मराठी में, ओके, और कब इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये भी याद रखना, ये हुई थी 1831 में, किया, ओके, सॉरी 1881 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट ट्रांसलेटेड द भगवद गीता इनटू इंग्लिश, भगवद गीता को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया, ओके। भगवद गीता हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स विल्किंस, ओके। चार्ल्स विल्किंस ये ब्रिटिशर थे, इन्होंने 1854 में, ईयर भी याद रखिएगा 1854, 1854 में सबसे पहले क्या किया था, भगवद गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था, ओके। ये भी याद रखना है कि ये मेंबर थे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस टू, परमानेंट सेटलमेंट की बात हो रही है, परमानेंट सेटलमेंट ये किससे रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्न ए फिक्स एंड रेगुलर रेवेन्यू, ओके। तो ये रेवेन्यू से रिलेटेड है, यानी कि आपके राजस्व से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खासकर एनडीए जैसे एग्जामिनेशन या यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशंस में परमानेंट सेटलमेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहे हैं। कॉर्नवॉलिस का टाइम था वो, ठीक है, उस समय पे जनरल हुआ करता था यहाँ पे कॉर्नवॉलिस, उन्होंने क्या किया था, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो था, जिसे कि स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है, इसे लागू किया। भूमि से जो राजस्व प्राप्त होता था, है ना, एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाए करते थे, रेवेन्यू जनरेट किया करते थे, तो जो पैसा मिला करता था उसी से तो सारे चीज चलेगी, अर्थव्यवस्थाएं चलेंगी।
तो उस समय पे उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छा खासा एक इनकम का सोर्स प्राप्त कंटिन्यू होता रहे, इसके लिए परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को क्या किया गया था, लागू किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, मैच ऑफ द फॉलोइंग अगेन ज्योग्राफी का क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है, ग्रास लैंड्स हैं जिनको कि उनके कॉन्टिनेंट से क्या करना है, मैच करना है। तो आपको याद रखना है कि जब लानोस की बात की जाती है, ओके, तो लानोस कहाँ पर होता है, ये होता है साउथ अमेरिका में। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका स्टेपी, स्टेपी कहाँ पर होता है, तो स्टेपी की बात करें तो ये ग्रास लैंड है आपका यूरोप में, ओके। नेक्स्ट है पेरिस, पेरिस की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका में, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रास लैंड है। और फिर उसके बाद हम वर्ल्ड की बात करें, अक्सर पूछा जाता है ये भी एग्जामिनेशन में, तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। क्लियर, तो राइट ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन, मैच ऑफ द फॉलोइंग है डेजर्ट को, यानी कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं उनको उनके कॉन्टिनेंट से यानी कि महाद्वीपों से क्या करना है, मैच करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कालाहारी, ये ऑप्शन है कालाहारी जो डेजर्ट है ये किसका है, वर्ल्ड फेमस है कालाहारी, यहाँ पे इसके रिलेटेड ट्राइब्स भी पाए जाते हैं। कालाहारी है अफ्रीका में, कहाँ पर है, अफ्रीका में, ओके। अटाकामा कहाँ है, साउथ अमेरिका में। थार है एशिया, दैट मीन्स इन इंडिया, इंडिया यानी कि एशिया आपको कंफर्म ही है। और लास्ट है ग्रेट विक्टोरिया जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 लैंड फॉर्म फ्यूचर और उसके लोकेशन की बात कर रहा है, यानी कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो धरती है वो बिल्कुल गोल तो है नहीं, बिल्कुल स्मूथ है नहीं, है ना, खुरदुरी भी है। अब यहाँ पे कोई डीपेस्ट पॉइंट है, एलिवेटेड पॉइंट है, डीपेस्ट पॉइंट है, एलिवेटेड पॉइंट है, इस तरह से पूरी अर्थ की स्ट्रक्चर बनी हुई है। इस अर्थ स्ट्रक्चर में रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूस हैं, डेजर्ट हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। जो हमारा लैंड फॉर्म होता है इससे के लिए रिस्पॉन्सिबल कुछ फैक्टर्स होते हैं, ओके। मैं किसकी बात कर रही हूँ, यहाँ बात हो रही है लैंड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन की, है ना। देखते हैं हम बहुत गहरी घाटियाँ बनती हैं यानी कि गॉर्ज बना करते हैं। हमने देखा है बहुत सारे यहाँ पे क्या होते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन्स होते हैं, ओके। हमने देखा है यहाँ पर कुछ जैसे कि सिंपली बात करें बहुत सारी स्ट्रक्चर्स फॉर्म होती हैं जो कि सिंपली आपको जो विंड फॉर्मेशन यानी हवाओं की वजह से बनाई हुई ग्लेशियर फॉर्मेशंस हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर फॉर्मेशंस हैं, इनकी लिस्ट को जरूर मेमोराइज कीजिए। इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 19 में ऑप्शन नंबर ए है एलुवियल फैंस, ओके, यानी कि जलोढ़ जो पंख हैं, ये किससे रिलेटेड है, तो इसका ऑप्शन सही है माउंटेन्स फुट हिल्स, जो पर्वतीय पादवी क्षेत्र है यानी कि माउंटेन्स है, माउंटेन्स का जो लोअर पार्ट होता है, सबसे निचला हिस्सा होता है, यहाँ पे क्या होते हैं, नदियाँ बहते हुए अपने जो जलोढ़ है उनको निक्षेपित करती हैं, मतलब कि वहाँ से जो रिवर्स फ्लो होती है वो सेडिमेंट्स को वहाँ पे जो डिपॉजिट करती है एलुवियल फैंस को वहाँ पे क्या करती हैं, छोड़ करके बहती रहती हैं, तो वहाँ पे एलुवियल फैंस जो होते हैं ये इकट्ठे हो जाते हैं, ओके। तो एलुवियल फैंस का जो राइट आंसर है वो माउंटेन हिल्स फुट हिल्स। ऑप्शन नंबर बी है वी शेप्ड वैली, वी शेप्ड, इसका राइट आंसर है आपका माउंटेनियस एरिया, ओके। वी शेप्ड वैली क्या होती हैं, पर्वतों से नदियां जब बह रही होती हैं तो जो यंग एज माउंटेन्स, यंग एज जो रिवर्स होती हैं, है ना, अपनी नई अवस्था में वो नदियां क्या होती हैं, कुछ गड्ढे बनाती हैं जो वी शेप्ड में होते हैं, उन्हें वी शेप्ड वैलीज कहते हैं। नेक्स्ट है आपका डेल्टा, डेल्टा है कोस्ट से रिलेटेड, डेल्टा क्या होता है, नदियाँ ऊपर से बहती हुई आई, यदि उनका स्लोप स्लो है तो वो क्या करेंगी, सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करेंगी, और सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देंगी जो कोस्टल एरिया के साइड पर, वो समर्ज्ड रीजन जो होगा वो डेल्टा फॉर्म करेगा, ओके।
और लास्ट है ओक्स ब्लो लेक्स, जिसका राइट आंसर है लोअर्स रिचेस ऑफ द रिवर. क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, जो कह रहा है कि हॉर्स लैटिट्यूड लाइज बिटवीन, यानी कि जो हमारा हॉर्स लैटिट्यूड है, यानी कि अश्व अक्षांश है, ये किन किन अक्षांशों के बीच में फैला हुआ है. तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इन द विसिनिटी ऑफ 30 डिग्री लैटिट्यूड बोथ नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर. ये हमारी अर्थ स्ट्रक्चर होती है, ये इक्वेटर होता है जो 0 डिग्री पे होता है, ये होते हैं हमारे पोल साइड, ये नॉर्थ पोल कहलाता है, ये साउथ पोल कहलाता है, जैसे हम 90 डिग्री मानते हैं. ओके, आप सबको पता है कि ये जो 0 डिग्री पे लाइन क्रॉस करती है, इसे इक्वेटर कहा जाता है. क्लियर? अब इक्वेटर के अपर साइड पे जो नदर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है ना. और जब इसको भी हमने डिवाइड किया है, तो यहाँ पे हम यदि 30 डिग्री का ये एरिया मान लें और यहाँ पे ये 60 डिग्री का एरिया मान लें. ओके, तो ये 30 डिग्री एरिया के बीच में जहाँ ट्रेड विंड्स भी बह रही हैं, यहाँ पे इस डिग्री को क्या किया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, हॉर्स लैटिट्यूड, अश्व अक्षांश कहा जाता है. कहते हैं कि जो अरेबियंस थे, वो जब एंशियंट टाइम पे यहाँ से ट्रेवल किया करते थे, है ना, समुद्री ही व्यापार हुआ करता था, तब तो एरोप्लेन होता नहीं था, रेलवे लाइन होती नहीं थी, और वैसे भी सबसे इजिएस्ट दूसरी कंट्री को क्रॉस करने के लिए तो हमारा जल परिवहन ही है, वाटरवे ही है. तो ये अरेबियंस जो होते थे ट्रेडर्स, ये जब भी व्यापार करने के लिए जाया करते थे, तो हॉर्स लैटिट्यूड से पास होते हुए क्या होता था कि यहाँ पे जो हवाएं हैं वो शांत हुआ करती थी, है ना, मतलब कि इनमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा. और जब हवाएं शांत होंगी तो क्या होंगी, ये एक पर्टिकुलर ट्रैक को फॉलो करेंगी, तो जो नाव है, जो उनकी शिप है, उसको मूवमेंट के लिए जो फोर्स चाहिए वो नहीं मिलेगा. अब उस प्रेशर को रिलीज करना होता था, तो इनके शिप में जो घोड़े होते थे, इनको ये समंदर में फेंक दिया करते थे. क्लियर? इसी वजह से इस लैटिट्यूड का नाम, इस रीजन का नाम हॉर्स लैटिट्यूड पड़ा. ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21 एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड, मैच ऑफ द फॉलोइंग है, लोथल किससे रिलेटेड था, लोथल डॉकयार्ड से. लोथल कौन सा रीजन है, लोथल हमारे गुजरात वाला रीजन, यानी कि कोस्टल एरिया, यानी कि डॉकयार्ड होंगे, वहाँ से जो जहाज होंगे वो एंशियंट टाइम में आना जाने का लगा रहता रहा होगा. बी है आपका कालीबंगन. कालीबंगन कहाँ, राजस्थान वाला रीजन. इसका सही ऑप्शन है प्लग्ड फील्ड, यानी कि जोते हुए जो खेत होते हैं, कृषि के साक्ष्य, एग्रीकल्चरल प्रूफ यहाँ से मिले. ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ढोलवीरा. ढोलवीरा क्या है, एन इंस्क्रिप्शन कॉम्प्रोमाइजिंग, ओके, हड़प्पन स्क्रिप्ट. ठीक है, ढोलवीरा से हड़प्पन स्क्रिप्ट मिली हुई है. और लास्ट ऑप्शन है आपका डी, वनावली. वनावली से क्या मिला है, टेराकोटा मिला है. क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. आगे बढ़ते हैं, मुगल से क्वेश्चन है, मैच ऑफ द फॉलोइंग है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, समझाने वाली बात नहीं है. यहाँ पे एक लिस्ट में जो मुगल एम्परर हैं उनके नाम दिया गया है, और दूसरी लिस्ट में इनकी जो कैपिटल्स थी उनके नाम दिए गए हैं. तो ऑप्शन नंबर ए है बाबर. बाबर का जो कैपिटल है वो काबुल था, अकबर का सिकंदराबाद था, जहांगीर का लाहौर था, और शाहजहां का आगरा था. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, मोपला रिवोल्ट ऑफ 1921 टुक प्लेस इन. मोपला रिवोल्ट, आपको जब भी रिवोल्ट की बात आएगी, ये क्या करनी है, हमें अच्छे से याद करनी है, है ना. तो जब मोपला क्रांति की बात हो रही है, मोपला रिवोल्ट की बात हो रही है, मोपला आंदोलन की बात हो रही है, तो क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये किस सन में हुआ, 1921 में हुआ. ओके, कहाँ पर हुआ, किससे रिलेटेड था, मोपला ट्राइब्स थे वहाँ पे जो लोग थे उन्हीं से रिलेटेड था, लेकिन किस रीजन से रिलेटेड था, केरल के रीजन से रिलेटेड था. यानी कि क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा रहा है कि किस कोस्टल एरिया पे हुआ था, तो इसे हम कह देते हैं ये मालाबार पे हुआ था. ओके, तो मालाबार यानी कि केरल में ये रिवोल्ट हुआ,
और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इन्होंने आगे चल करके हिंदू मुस्लिम रायट्स का भी ये फॉर्म ले लेता है और फिर इसे आगे चल करके दबाया जाता है इस आंदोलन को, इस वजह से भी इम्पोर्टेंट बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का मोपला रिवोल्ट, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, केरला। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से मैच ऑफ द फॉलोइंग है, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है एग्जामिनेशन में, कितना भी पढ़ लो इसलिए इसे अच्छे से याद रखना है। जैसे कि क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। नंबर वन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, सबसे पहले याद कीजिए कर्जन का टाइम है, कहाँ से पार्टीशन ऑफ बंगाल स्टार्ट होगा, 1905, तो सही होगा। फिर आते हैं फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग कब बनी थी, 1906 में, सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है सूरत स्प्लिट, अब सूरत का विभाजन कब हुआ था यहाँ पे, तो ये होता है आपका 1907 में, ठीक है। सूरत विभाजन यानी कि आपके ये कांग्रेस और जो नरमवादी यानी मॉडरेट जो थे और एक्सट्रीमिस्ट थे, इनके बीच में जो डिस्प्यूट आते हैं, ओके। फिर इसके बाद आता है ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसफर ऑफ इंडिया कैपिटल फ्रॉम कैलकटा। आप सबको पता है कि भारत की पहले जो राजधानी हुआ करती थी वो दिल्ली नहीं, कलकत्ता थी, है ना। और कलकत्ता वो भारत का गढ़ था जहाँ से ना केवल अच्छे एक्सट्रीमिस्ट, अच्छे फ्रीडम फाइटर्स, अच्छे राइटर्स, बल्कि उस समय भी इंडिया को बहुत आगे लीड करने वाले लीडर्स उस रीजन से हुआ करते थे और अंग्रेजों की नाक पे दम कर रखा था। कलकत्ता इंडिया की वहाँ पे कैपिटल हुआ करती थी, लेकिन इन सारे रीजन्स को, क्योंकि वहाँ पे पूरा का पूरा वो पावर सेंटर बनता जा रहा था, तो फाइनली कलकत्ता से उठा करके दिल्ली इस्टेब्लिश कर दिया जाता है इंडिया की कैपिटल को। लेकिन ये कैपिटल ट्रांसफर 1909 में नहीं होता बल्कि 1911 में होता है। कब होता है, 1911 में, जबकि कलकत्ता से राजधानी परिवर्तन दिल्ली किया गया था, ओके, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 25, ओके, 24 का आंसर नंबर डी हो जाएगा, वो नॉट है। अब क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 में क्वेश्चन है, द फेमस INA ट्रायल टू प्लेस इन द रेड फोर्ट दिल्ली, इन ईयर पूछा हुआ है, INA ट्रायल चल रहा था, इस साल भी 75 ईयर कंप्लीट हो गए हैं, तो ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, ओके, मतलब ज्यादा चांसेस बनते हैं, तो देखिएगा। INA ट्रायल जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, ऑप्शन नंबर बी, 1946 इज द राइट आंसर, 1946, आजाद हिंद फौज बन चुकी है, ब्रिटिशर्स के सामने उसने आत्मसमर्पण इंडिया आकर के किया, उन पे मुकदमा चलाया जाने लगा कि इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने चलाया कि इन्होंने हमारे साथ गद्दारी की है, ठीक है। जब लाल किले पर, रेड फोर्ट पे, इन पे मुकदमा चलाया जा रहा था, INA ट्रायल्स किया जा रहा था, इसमें जो शामिल लोग थे, मेजर शाहनवाज खां थे, कर्नल प्रेम सहगल थे, कर्नल गुरदयाल सिंह ढिल्लो थे, इन पर केस चलाया जा रहा था, और इंडिया के जो मोस्ट पॉपुलर पावरफुल इंटेलेक्चुअल्स एडवोकेट्स थे वो सब इनके साथ आते हैं और इनके लिए कार्रवाई करवाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, इनका केस फाइट करते हैं, जिनका नाम है तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, जवाहरलाल नेहरू और अन्ना आसफ अली, ओके। तो इसके आसपास के जितने क्वेश्चन हैं ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। हमारे क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1946। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन द मोस्ट इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इवेंट दिया हुआ है और ईयर से आपको कोरिलेट करना है, ओके। जैसे कि खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट सबसे पहले कब शुरू होता है, तो ये 1920, ओके, चला तो 1919 से 1922 तक था, है ना। खिलाफत आंदोलन के बारे में डिटेल में पढ़िएगा, टर्की जो हमारा रीजन है उसमें जो मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करने वाला खलीफा रहता है, वो अंग्रेज अपना युद्ध जीतने के बाद उनसे जो ट्रीटी करते हैं वो तोड़ देते हैं, धोखा दे देते हैं, खलीफा की शक्तियां छीन लेते हैं, मुस्लिम्स में असंतोष व्याप्त हो जाता है और भारत के मुस्लिम्स भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ मूवमेंट्स चलाना शुरू कर देते हैं और जिसे खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ओके। तो खिलाफत आंदोलन कब, 1920। नेक्स्ट है चौरा चौरी इंसिडेंट, 1922। नेक्स्ट है चंपारण मूवमेंट, जिसके 100 साल होने पे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, तो चंपारण मूवमेंट 1917। और फिर है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि 1930, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी. क्लियर? ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 27 पूछ रहे हैं कि कौन सा करेक्टली मैच्ड ऑप्शन है. तो इसका है ऑप्शन नंबर डी, लाला हरदयाल. इन्होंने हिंदुस्तान गदर पार्टी को इस्टेब्लिश किया था. हिंदुस्तान गदर पार्टी कब इस्टेब्लिश होती है? 1913 की बात है, सॉरी 1913 की बात है. ओके, एक नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी को इस्टेब्लिश किया जाता है. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28. इसमें क्या है? विथ रेफरेंस टू कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट. इसमें भी इवेंट को आपको क्या करना है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेटल करना है. फॉर एग्जाम्पल, नंबर वन है मॉल्ली मिंटो रिफॉर्म. तो मॉल्ली मिंटो रिफॉर्म किस ईयर में हुआ था? आप सबको पता है 1909 की बात है. फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली. अभी हमने बात किया कि ये हुआ था 1911 में. फिर अगला ऑप्शन है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला है 1914 से लेकर के 1918 तक. ओके, जिसके अभी 100 साल पूरे हो गए हैं. और फिर अगला क्वेश्चन है आपका लखनऊ पैक्ट, जिसका ऑप्शन है 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है. ओके, तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21. इसे सीक्वेंस में अरेंज कर लीजिए और इस तरह से. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? व्हाट इज द कामागाटा मारू. कामागाटा मारू क्या है? ये एक नेवल शिप है. ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का. कामागाटा मारू नेवल शिप था जो कि वोयाज से लेकर के कनाडा जा रहा था. यह जापानी शिप था. 1914 में ये इंसिडेंट हुआ था. क्लियर? एक अच्छी खासी कहानी है, डिटेल में से भी देखिएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31. 31 में है कि नॉट पूछा हुआ है. इनमें से कौन सी पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है? नंबर वन पिट्स इंडिया एक्ट, वॉरेन हेस्टिंग्स राइट ऑप्शन. ये 1784 की बात है. ओके, वॉरेन हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड चल रहा है. ऑप्शन नंबर बी है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि जो व्यपगत या हड़प नीति थी. ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हड़प नीति थी. ये डलहौजी के टाइम पर आती है 1853 में. नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट. तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है इसमें कर्जन दिया हुआ है, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा. कर्जन ना होकर के इसका राइट आंसर क्या है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में लिटन इसका राइट आंसर है. ईयर है 1878. देन है ऑप्शन नंबर डी इल्बर्ट बिल. इसका राइट ऑप्शन रिपल. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 नॉट पूछा हुआ था. नॉट के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कर्जन ने नहीं बल्कि लिटन ने इसको क्या किया था? लागू किया था 1878 में. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32. तो 32 क्वेश्चन में क्या है? डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन अंडर. डायरकी यानी देश शासन किसके शासन काल में आया था? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड. आपको याद रखना है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड इसको किस नाम से भी जाना जाता है. क्वेश्चन आ सकता है 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया था, और इसने क्या किया था? सबसे पहले ड्यूएल सिस्टम यानी कि डायरकी को इंट्रोड्यूस किया था. ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग. इसमें क्या है? लिस्ट वन लिस्ट टू फंडामेंटल राइट, उनके आर्टिकल से हमें मैच ऑफ करना है. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन. ऑप्शन नंबर ए कह रहा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज. इसे कहा जा सकता है रिट. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिट. रिट किससे रिलेटेड है? आर्टिकल नंबर 32 से. आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 के तहत क्या कर सकती है? 5 तरह के रिट को जारी कर सकती है. और हाई कोर्ट को भी रिट का पावर है. किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 226 में. क्लियर? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मैच ऑफ द फॉलोइंग में आर्टिकल 32. नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण. ये किस में दिया गया है? तो यह है आर्टिकल नंबर 29. ओके, 29 और 30 दोनों ही एक ग्रुप में कैटेगराइज है. नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर सी एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को खत्म करना. तो छुआछूत को खत्म करना किस आर्टिकल से रिलेटेड है? ये आर्टिकल नंबर 17 है. और हाल ही में SC/ST एक्ट को भी लेकर के करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं. बहुत बड़े लेवल पे इससे रिलेटेड बातें हुई हैं,
तो आर्टिकल नंबर 17 किसको बात करता है, अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए, और इससे से रिलेटेड केमरल लॉ बनाए गए हैं जैसे कि एससी एसटी एक्ट। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है आर्टिकल इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स। तो अपॉर्चुनिटी इक्वालिटी की बात कौन करता है, आर्टिकल 16 करता है। ओके अनुच्छेद 16 जिसमें आरक्षण मेन मुद्दा बना करता है। देन लास्ट है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी भी हो गया, आर्टिकल नंबर 16। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, इफ द प्राइम मिनिस्टर इज द मेंबर ऑफ राज्यसभा, यदि प्राइम मिनिस्टर हमारा प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो नंबर वन इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है, ही कांट टेक पार्ट इन द वोटिंग व्हेन अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज अंडर कंसिडरेशन। ओके जनरली हम देखते हैं कि जो भी पार्टी मेजोरिटी के साथ आती है लोकसभा में, उसका जो एक लीडर होता है उसे हम एज अ पीएम बनाते हैं। ठीक है, हमने इलेक्ट की लोकसभा, लोकसभा बैठी, उसने अपने में से एक नेता को इलेक्ट कर लिया एज अ पीएम, है ना। तो मेजोरिटी के साथ जो पार्टी आई है, लेकिन मनमोहन सिंह जी के टाइम पर वो किसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होकर के नहीं आए थे, तब इस तरह के क्वेश्चन बनने स्टार्ट हुए। तो बात ये भी होती है कि कोई भी मेंबर, ठीक है, चाहे वो लोकसभा का या राज्यसभा का, प्रधानमंत्री तो बन ही सकता है, इवन कोई ना भी हो तो 6 महीने के लिए बन सकता है। ठीक है, उसे प्रूफ करना पड़ता है किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की सदस्यता को लेकर के। लेकिन यदि कोई राज्यसभा से आ रहा है एज अ पीएम, तो उसको लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ आएगा, लोकसभा में आएगा, और जब उसका मेंबर ही नहीं है तो वोटिंग कैसे कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके कैगी की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन नंबर सही है ये बताया गया है। नंबर वन, ऑडिट ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट। हाँ, वो सारे राजस्व को ऑडिट करता है, यानी कि उसका लेखा परीक्षण करता है। ऑप्शन नंबर टू, और इंश्योर्स द टोटल विड्रॉ बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू डू एक्सटेंड द अमाउंट अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट। यस ऑप्शन नंबर सी, कैन कमेंट ऑन करेक्टनेस ऑफ अदरवाइज ऑफ फिनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट। ऑप्शन नंबर फोर, पॉइंट आउट केसेस ऑफ नॉन कंप्लेंस ऑफ रूल एंड रेगुलेशन इन एक्सपेंडिचर। इसका क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर डी है। जनरली कैग का काम यूनियन जो होती है, संघ क्षेत्र होते हैं, इनके रेवेन्यूज को ऑडिट करना, उससे रिलेटेड लेखा परीक्षण करना, रिपोर्ट्स बनाना, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट्स देना, ये सारे काम किसके होते हैं, कैग के होते हैं। ओके अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन हिज रोल एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी एक्सरसाइजेस हिज। यानी कि कोई गवर्नर है जो कि किसी यूनियन टेरिटरी में है, ठीक है, तो एक्सरसाइजेस को किस तरह से अपना यूज करेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है, द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के फॉर्म पे। क्वेश्चन नंबर 37 है, द पर्पस ऑफ द एडजमेंट मोशन इज टू, एडजमेंट जो मोशन होता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है, इसका मेन पर्पस क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस टू अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस। यानी कि कोई भी लोकहित का विषय हो जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो, तो उससे संबंधित क्या होता है, एडजमेंट मोशन लाए जाते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, लोकायुक्त सबमिट हिज रिपोर्ट टू, लोकायुक्त क्या करता है, अपनी रिपोर्ट किससे देता है, तो ऑप्शन नंबर सी गवर्नर ऑफ द स्टेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग मूवमेंट, अब ये क्वेश्चन है जिसमें कि आपको क्या करना है, अरेंज करना है। फिर से चार चीजें आ गई, नंबर वन है मोपला। ओके अभी थोड़ी देर पहले हमने मोपला रेविलियन की बात की थी, मोपला रिवोल्ट की बात की थी। ऑप्शन नंबर टू है बरदोली सत्याग्रह। ओके क्या बरदोली। ऑप्शन नंबर सी है आपका गवर्नर ऑफ द स्टेट, सॉरी ऑप्शन नंबर सी है चंपारण सत्याग्रह। ओके चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह।
और ऑप्शन नंबर फोर है आपका सॉल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, ठीक है। अब इनको क्या करना है, इनको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो किस तरह से करेंगे आप, आपको इसको डिटेल में पढ़ना होता है तभी इजी क्वेश्चन बन जाते हैं, हमें डेट पता होती है। जैसे मोपला हुआ था 1921 में, ठीक है, बरदोली का टाइम पीरियड क्या है 1928 है, चंपारण का टाइम पीरियड क्या है अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है 1917 है, और नमक सत्याग्रह कब हुआ था ये भी हमको पता है कि 1930 में है ना, दांडी मार्च जो चलता है, गांधी जी नमक बना के कानून को तोड़ते हैं। अब इनका सीक्वेंस अरेंज कर लीजिए, सबसे पहले कौन सा होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे चंपारण हो जाएगा, उसके बाद मोपला हो जाएगा, फिर वर्दोली हो जाएगा, और उसके बाद नमक सत्याग्रह यानी कि सॉल्ट रिवोल्ट हो जाएगा, ठीक है, सॉल्ट सत्याग्रह हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 3124। इनसे डिटेल में भी इन सारे के सारे मूवमेंट्स को पढ़ना है आपको, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 ये है कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में कौन था, तो नंबर वन ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है इब्न बतूता, क्लियर। ऑप्शन नंबर 41 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ चिश्ती सूफी सेंट, चिश्ती सूफी संप्रदाय से संबंधित कौन नहीं है। ऑप्शन है नंबर वन ख्वाजा मोइद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर बी बाबा फरीदुद्दीन, ऑप्शन नंबर सी है निजामुद्दीन औलिया, और ऑप्शन नंबर डी है शेख बदाउद्दीन जकारिया। तो बाकी तीन सूफी हैं तो सभी चारों सूफी, लेकिन बाकी तीन जो शुरू के हैं वो किस संप्रदाय के हैं, वो चिश्ती सूफी हैं, जबकि ऑप्शन नंबर डी जो है शेख बहाउद्दीन जकारिया ये सुहरावर्दी सूफी सेंट थे, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि सुहरावर्दी सूफी सेंट से रिलेटेड संप्रदाय से संबंधित कौन है, तो वहां पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, शेख बहाउद्दीन जकारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। अप्रैल 2017 में इंडिया ने 100 साल पूरे, इंडिया सेलिब्रेटेड 100 ईयर ऑफ महात्मा गांधी। 2017 की बात हो रही है कि महात्मा गांधी के किस मूवमेंट को हमने 100 साल पूरे किए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सत्याग्रह इन चंपारण। ओके, चंपारण कहाँ पर है, बिहार में है। ये सत्याग्रह क्यों चलाया गया था, तो किसानों के आंदोलन से संबंधित था, किसानों के ऊपर जो रेवेन्यू टैक्स हैं ये बढ़ा दिए गए थे, और इन लोगों ने क्या किया था इससे संबंधित रिवोल्ट किया था, महात्मा गांधी जी ने इसको लीड किया था। इस तरह से चंपारण सत्याग्रह को गांधी जी के प्रथम सत्याग्रह के प्रयोग के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कह रहे हैं कि आर रेनबो, जब भी इंद्रधनुष प्रोड्यूस होते हैं तो कौन सी इनमें से घटना घटती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी कि जो प्रकाश होता है उसका विकिरणन होता है, ठीक है, विक्षेपण होता है। लेकिन हम जानते हैं कि जब रेनबो फॉर्मेशन की बात होती है, इंद्रधनुष बनने की, तो इसमें एक ही नहीं कई कॉन्सेप्ट भी साथ देते हैं, यानी कि यदि पूर्णांतिक परावर्तन, ठीक है, टोटल की बात हो रही होती तो वो भी राइट ऑप्शन होता। तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे क्योंकि डिस्पर्जन ऑफ लाइट ही बस दिया हुआ है, ठीक है, प्रकीर्णन की बात की हुई है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, ये भी है कि बैट्स डिटेक्ट ऑप्टिकल्स इन द पाथ बाय रिसीविंग द रिफ्लेक्टेड, जो चमगादड़ होते हैं ये क्या होता है, अल्ट्रासोनिक रेस की वजह से क्या करते हैं कि अपने आसपास कोई भी चीज होगी उसका आभास लगा देते हैं, है ना, यानी कि एक रेडिएशन ये एमिट कर रहे हैं, अल्ट्रासोनिक रेडिएशन है, सामने कोई भी यदि चीज़ें आ रही हैं तो इनको पता चल जाता है और उससे टकराते नहीं है, और रात में भी इजिली मूवमेंट कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आगे आ रहे हैं, करंट अफेयर्स को हम ज़्यादा एनालाइज नहीं करेंगे, इसके आंसर सीधे बताऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 45 है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इंटरपोल ने किसे इलेक्ट किया है एज अ प्रेसिडेंट, तो किम जोंग यंग है, इसका राइट आंसर है डी साउथ कोरिया, कहाँ से है ये, साउथ कोरिया से। क्वेश्चन नंबर 46 है अदर जो कि 54th जानपीठ अवार्ड, 54th जान किसकी बात हो रही है, जानपीठ अवार्ड की बात हो रही है, लिटरेचर अवार्ड है, अवार्ड रिलेटेड क्वेश्चंस भी अक्सर पूछे जाते हैं। जानपीठ अवार्ड किसे मिला हुआ है, तो आंसर है अमिताभ घोष। ये ज्ञानपीठ अवार्ड क्या होता है, ये लिटरेचर का सर्वोच्च अवार्ड है, ठीक है, हाईएस्ट अवार्ड है। ओके, नेक्स्ट आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 47।
8 parliamentarians honored by Vice President M. Venkaiah Naidu under Lokmat Parliamentary Award 2018. 2018 Lokmat Parliamentary Award hua. Isme se kise Best Debut Woman Parliament Lok Sabha. Yaad rakhega Lok Sabha Rajya Sabha mein difference karna hai aapko. Lok Sabha ki Best Debut Woman Parliamentarian ka award kise diya gaya? To iska right option hai D option Hema Malini ji ko. Okay. Next 48 number question. Indian woman cricketer Smriti Mandhana won Rachel Leo Flint Award for ICC Women's Cricketer of Year 2018. Okay. Ye Smriti Mandhana ko to award mila. Lekin iske saath hi ICC Women's Emerging Player of the Year. Kise mila? To aapko pata hona chahiye mila hai Sophie Ecclestone ko. Theek hai? और क्वेश्चन है अब फाइनली कि आईसीसी वुमेन्स टी20 प्लेयर ऑफ ईयर किसे मिला है तो आईसीसी टी20 प्लेयर ऑफ ईयर की बात हो रही है तो ये मिला है एलिसा हेली को एलिसा हेली किस कंट्री से है तो ये ऑस्ट्रेलिया से है ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 नोवाक जोकोविक अभी इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन फिर से सातवीं बार जीता और गजब के इन्होंने रिकॉर्ड्स भी फॉर्म किए हैं तो थोड़ा डिटेल में पढ़ना है आपको सिंपल सा क्वेश्चन है कि किस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका आंसर है सर्बिया ओके नोवाक जोकोविच कहां से हैं सर्बिया से हैं ओके लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 ये है एटीपी वर्ल्ड टूर टेनिस अवार्ड से रिलेटेड और क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि यहां पर रोजर फेडरर जो हैं ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं तो ये है स्विट्जरलैंड से ओके जनरली टेनिस प्लेयर्स किसके साथ यदि कोई इन्होंने अवार्ड्स को जीता है तो उनका पार्टनर मिस्ड प्लेयर में कौन था या किसे हराया है जो भी ये ग्रैंड स्लैम होते हैं तो कौन इसका सबटाइटल किसे मिला है से फर्स्ट रनर कौन रहा है या फिर ये जो महान यहां पे अच्छे ये प्लेयर्स हैं ये किस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह के भी क्वेश्चंस बनते हैं तो इन्हें भी आप डिटेल्स में देखिए क्वेश्चन नंबर पेपर नंबर 11 की एनालिसिस थी ओके होप सो आप लोगों को ये काफी ज्यादा हेल्प करेगी एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थैंक यू सो मच